Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First, we will review of our previous class. In our previous class, we were discussing about exercise. Exercising can help to reduce the risk of developing disease. Exercise means run and play for 60 minutes every day. Okay, today we will start our topic that how do we fall sick? Kaise hum bimar padte? At the end of this class, we will able to identify why we fall sick. We can identify the types of diseases. सबसे पहले भी हम डिस्कस करते हैं how do we fall sick? When the body get weak and does not work properly, we say a person is sick or have some diseases. There are many reasons why we are sick. आपको पता है जब भी कोई भी आदमी बीमार होता है, कोई भी आदमी वीक फील करता है तो हम जब भी कोई आदमी वीक फील करता है, लेजी फील करता है तो हम कहते हैं तुम्हें कोई बीमारी हो गई है, कुछ बीमारी किसी से लग गई है या हो गई है. तो बेसिकली बीमारियां जो होती हैं वो या तो हम किसी से कैच करते हैं, यानी कि कोई एक बीमार आदमी के बराबर में मैं बैठी और मुझे उससे बीमारी लग गई. और दूसरी तरह की डिज़ीज़ होती है जो हमारे अंदर किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है. लाइक अगर मेरे अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो मेरी बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी. अगर मेरे अंदर विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई तो मेरी स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी, मेरे बाल जो है वो ख़राब हो जाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली जो डिज़ीज़ होती हैं वो भी बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं. एक होता है वो डिज़ीज़ जो हमें एक दूसरे से लगती हैं, यानी कि ट्रांसफ़र होती हैं, जिसमें जर्म्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं. ये कहलाते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. टू मेन टाइप्स ऑफ डिजीज़ होते हैं. एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर जाते हैं. एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ये वो डिजीज़ होती हैं जो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाते हैं. कम्युनिकेबल डिजीज़ आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहलाती है. इट इज़ कॉज्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ जर्म्स. ये क्यों होता है? ये ट्रांसफ़र ऑफ जर्म्स की वजह से होता है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, यानी कि किसी चीज़ की वजह से, किसी चीज़ की कमी की वजह से हमारी बॉडी में हो जाते हैं. क्रॉनिक डिजीज़ कहलाती है. ये किसी चीज़ की कमी की वजह से, कॉज ऑफ डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से हो जाते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज़. द डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये वो डिजीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है. अगर मैं आपसे कहूँगी कि मुझे डिफरेंस बताइए, आप मुझे राइट द डिफरेंस ऑन द कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो आप इसी तरह इसको बताएंगे दोनों को अलग अलग करके, कि कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो स्प्रेड करती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं लगती. लाइक अगर मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है और मेरी बोन्स वीक हो रही हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मेरे साथ बैठा हुआ है तो उसको लग जाएगी. लेकिन अगर मुझे फ्लू हुआ हुआ है और मेरे साथ कोई बैठेगा तो उसको वो लग सकता है. ये जो फ्लू लगेगा तो ये क्या होगा? कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा. और ये जो विटामिन डी की कमी की वजह से बोन्स वीक हुई हुई है वो क्या होंगी? वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी. कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय पैथोगन्स. पैथोगन्स क्या होते हैं? आगे मैं इसके बारे में आपको फर्दर बताऊँगी. पैथोगन्स बेसिकली एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का नाम है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम है, जो हमारी बॉडी में फ्लू वगैरह जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हो जाता है. ठीक है, और कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम क्या है? मलेरिया, एड्स, टीबी, टाइफाइड, ये सब जो है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ है. और जब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, दे आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट. किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो जाता है. और ये किसी एबनॉर्मल ये जो सेल्स में जो किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कोई एलर्जी हो जाती है, तो ये उसकी वजह से होता है. ये हमारी बेसिकली इसका ताल्लुक हमारे पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करने से नहीं होता है, इसका ताल्लुक हमारी बॉडी के इंटरनल इश्यूज से होता है. ठीक है, तो इससे हमें कैंसर भी हो सकता है. इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में अगर हम बात करते हैं तो कैंसर भी है, रैकेट भी, एलर्जीज भी है. ठीक है,
इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर हम डिस्कस करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन या किसी एनिमल से भी नहीं लग सकता, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं दे आर कॉज्ड बाय द पैथोजेंस, बैड जर्म्स कहलाते हैं ये, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन अफेक्ट एनी सिस्टम इन द बॉडी, ये कोई भी हमारा सिस्टम ख़राब कर सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इट कैन बी ट्रीटेड बट नॉट यूजुअली क्योर्ड। ये ट्रीट तो किया जाता है लेकिन ज़्यादातर ये क्योर नहीं होता। तो हमें चाहिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हमारी डिफिशियंसी से होती हैं, यानी कि हमारी किसी चीज़ की कमी की वजह से होती है हमारी बॉडी में, तो हमें चाहिए कि हमें अपनी बॉडी, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि एटलीस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो किसी आदमी के थ्रू हमको नहीं लगती है या किसी एनिमल के थ्रू हमको नहीं लगती है, हम उनसे बच सकें। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो और इसके क्विज मैंने आपको दिए हुए हैं, असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, इसको कंप्लीट करें। इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझ में, सुनने में और समझने में आ रही है तो इसको दोबारा एक दफ़ा देखें ताकि आपको सही से समझ में आए। ओके, अल्लाह हाफिज़।